उमेश पाल हत्याकांड में माफिया डॉन अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उसके तीसरे बेटे असद पर पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा है, जबकि पत्नी शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम है। अतीक के 2 बेटे और भाई पहले से ही जेल में बंद है। जानिए कैसे अर्श से फर्श तक आया अतीक अहमद का परिवार। अपराधी से विधायक और विधायक से सांसद बने अतीक अहमद से तो सभी परिचित है, लेकिन अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी अब 25,000 की इनामी हो गई है। पुलिस उसे खोज रही है। अतीक अहमद का निकाह कसारी मसारी की रहने वाली शाइस्ता से 2 अगस्त 1996 में बेहद साधारण परिवार में हुआ था। अतीक और शाइस्ता के 5 बेटे हैं। अतीक के 5 बेटों में बेटा उमर, दूसरा अली, तीसरा असद, चौथा अहजम और पांचवा अबान है। माफिया अतीक अहमद 5 बार का विधायक और 1 बार का सांसद रह चुका है। अतीक इसके पहले भी जेल में बंद था। जमानत के बाद वो बाहर भी आया, लेकिन 2019 से अतीक अहमद लगातार जेल में बंद है और इस वक्त गुजरात के साबरमती जेल में है। जब अतीक अहमद पहली बार जेल गया तो उसी वक्त विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, तब उसकी चुनावी कमान बेटा उमर संभालने लगा और अतीक अहमद के लिए प्रचार किया। उमर पर भी अप्रैल 2018 में अपहरण और जेल में बिल्डर मोहित अग्रवाल से मारपीट के आरोप लगे। CBI ने उस पर 2 लाख का इनाम रखा और उसने 31 जुलाई को कोर्ट में सरेंडर किया। वो इस वक्त लखनऊ जेल में बंद है। जब अतीक अहमद का रसूख थोड़ा कम होने लगा तो अतीक का परिवार राजनीति में उतरा। 2021 में अतीक के परिवार ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ज्वाइन कर ली। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि ओवैसी की पार्टी अली को टिकट देगी, लेकिन इसी बीच 31 दिसंबर 2021 को अली पर अपने रिश्तेदार से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगा और पुलिस से बचने के लिए वह फरार हो गया। पुलिस ने भी अली पर 50,000 का इनाम रखा है और उसने भी 31 जुलाई को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वो नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। अब माफिया अतीक अहमद की सियासी जमीन खिसक ना जाए, इसके लिए अतीक की पत्नी शाइस्ता ने 5 जनवरी 2023 को बसपा की सदस्यता प्रयागराज में ले ली और बसपा के टिकट से मेयर लड़ने की तैयारी करने लगी। शाइस्ता को पूरी उम्मीद थी कि बसपा की मेयर प्रत्याशी बनेगी और चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया गया। अतीक अहमद की पत्नी अब घरेलू महिला से कुशल नेता बन गई थी। बसपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद शाइस्ता परवीन ने भाषण भी दिया था, जिसमें वह कुशल नेता की तरह जनता को संबोधित कर रही थी। सभी शाइस्ता परवीन के भाषण को सुन रहे थे। शाइस्ता परवीन का कहना था कि उनका पूरा परिवार हमेशा से बहन जी के साथ रहा है और उन्होंने कहा था कि उनके साथ न्याय होगा, लेकिन इसी बीच 24 फरवरी को धूमनगंज इलाके में उमेश पाल हत्याकांड हुआ, जिसमें अतीक अहमद का पूरा परिवार नामजद हुआ। अब अतीक की पत्नी शाइस्ता 25,000 की इनामी है। वही तीसरे बेटे असद पर 2.5 लाख का इनाम घोषित है, वो भी फरार है। चौथा बेटा अहजम और पांचवा बेटा अबान भी लापता है। तो कुछ ऐसे आया अर्श से फर्श तक अतीक अहमद का परिवार।